हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फोन पे अकाउंट किस तरह से बनाएंगे, फोन पे में आप पैसा किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे, अकाउंट बना करके आप इसमें बैंक अकाउंट ऐड कैसे करेंगे, यूपीआई क्रिएट कैसे करेंगे बिना एटीएम कार्ड के, आधार कार्ड के मदद से किस तरह से आपको फोन पे अकाउंट बनाना है, सारा कुछ इसमें आपको करके बताऊंगा और लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा। सारा कुछ पैसा वगैरह सारा कुछ आपको ट्रांसफ़र किस तरह से करना है सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ किस तरह से आपको फ़ोन पे अकाउंट बनाना है। फ़ोन पे एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आपको जा करके डाउनलोड कर लेना। वहाँ से मैं यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हूँ तो सिंपली यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर से अपना लॉगिन करना है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपका जो मोबाइल नंबर से यहाँ पे फ़ोन पे अकाउंट बनाएंगे वो मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, तब आप यहाँ पे बना पाएंगे। तो मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे ओटीपी आएगा। यहाँ पे चलिए मैं ओटीपी के द्वारा यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। ओटीपी यहाँ पे आएगा, ओटीपी को यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ टाइम हम वेट कर लेते हैं, यहाँ पे ओटीपी आ चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं फोन पे में यहाँ पे अलाउ एप्लीकेशन वाले यहाँ पे बायलिंग यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे परमिशन आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप फोन पे में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद फिर से आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। अलाउ वाले परमिशन पे क्लिक कर देंगे तो आपको लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट को लिंक करना है। तो बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अकाउंट बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा पहले से 2 बैंक अकाउंट ऐड है, मैं आपको नया बैंक अकाउंट ऐड करके बताता हूँ। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ऐड न्यू बैंक अकाउंट, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए जो भी आपका बैंक है यहाँ से आपको नाम लिखना है, सर्च कर लेना। चलिए मैं यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट को सर्च कर लेता हूँ। मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक है तो मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक यहाँ पे आ चुका है, मैं इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट आपका लिंक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बैंक अकाउंट लिंक हो चुका है। अब आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट लिंक होने के बाद यहाँ पे मेरा रीसेट यूपीआई पिन का ऑप्शन आया, रीसेट पिन। आपको वहाँ पे सेट पिन का ऑप्शन आएगा, फर्स्ट बार करेंगे तो सेट पिन का। उसके बाद यहाँ पे सेट पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, एक आधार कार्ड और एक डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे आधार कार्ड वाला पे सेलेक्ट करके आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका आधार कार्ड का 6 डिजिट यानी 6 अंक यहाँ पे इंटर करना है, फर्स्ट का 6 अंक यहाँ पे इंटर कर लेना है और आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे आधार नंबर का 6 अंक इंटर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे आधार कार्ड का 6 अंक फर्स्ट का इंटर कर लिया। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम वेट करना है, आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आधार ओटीपी, यहाँ पे आधार कार्ड की तरफ से एक ओटीपी आएगा तो आधार ओटीपी यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे बैंक ओटीपी इंटर, बैंक 6 डिजिट ओटीपी, तो यहाँ पे ओटीपी इंटर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यूपीआई क्रिएट का ऑप्शन है, सेट 4 डिजिट यूपीआई पिन, तो आपको यहाँ से यूपीआई पिन को सेट कर लेना है। चलिए मैं यूपीआई पिन को यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। यूपीआई पिन आपको 4 अंक का, जो भी आपका बैंक का निर्भर, आपका बैंक पे निर्भर करेगा कि आपका कितना अंक का यूपीआई पिन है। तो यहाँ पे मेरा 4 अंक का है, किसी में 6 अंक का रहता है तो आपको उस हिसाब से इंटर कर लेना है, अपने हिसाब से यहाँ पे पिन बना लेना है और आपको पिन को याद रखना है ताकि आपको पैसा ट्रांसफ़र करने समय आपको पिन खोजेगा। यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको कंफर्म पिन का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे फिर से वही पिन आपको रिपीट कर देना है। मैंने यहाँ पे वही पिन रिपीट कर दिया। उसके बाद टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम वेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यूपीआई पिन सक्सेसफुल सेट यहाँ पे हो चुका है, नीचे लिख रहा है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक चले जाना है, यहाँ से बैक जाना है, आपका यहाँ पे पिन सेट हो चुका है। अब आप पैसा किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे, किसी का बैंक अकाउंट में अगर ट्रांसफ़र करना है तो किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पे फोन पे ओपन करना है। अगर आपको यहाँ से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बैंक अकाउंट 2 बैंक, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट इंटर करना है, सारा कुछ यूपीआई इंटर करना है। यूपीआई से भी यहाँ से यूपीआई आईडी से भी सेंड कर सकते हैं, यूपीआई मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट से आप सेंड कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको बैंक सेलेक्ट करना है किस बैंक में पैसा भेजना है।
तो यहाँ पे बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर इंटर करना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड इंटर करना है, और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर इंटर कर दिया, यहाँ पर मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा है तो अकाउंट नंबर इंटर कर दिया, और यहाँ पे आईएफएससी कोड इंटर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ टाइम यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर कंफर्म करने के लिए बोलेगा, तो फिर से आपको अकाउंट नंबर को कंफर्म कर लेना, वही अकाउंट नंबर आपको इंटर कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर और यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे इंटर योर अकाउंट होल्डर नेम, और यहाँ पे निक नेम ऑफिशियल है तो आपको यहाँ पे इंटर करना है या नहीं भी इंटर करना है। चलिए मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर फिर से इंटर कर देते हैं। यहाँ पे मैं फिर से अकाउंट नंबर इंटर कर दिया, रिपीट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ, यहाँ पे मैंने डिटेल इंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको निक नेम अगर है आपका तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जितना भी अमाउंट आपको पैसा भेजना है आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है अमाउंट, यहाँ पे जितना पैसा आपको सेंड करना है इंटर करना है। उसके बाद पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यूपीआई पिन इंटर कर लेना है, और उसके बाद टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे यूपीआई पिन इंटर कर लिया, उसके बाद टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रांसफ़र यहाँ पे हो चुका है। तो इसी तरह से फ़ोनपे से आप बैंक अकाउंट में पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अकाउंट, फ़ोनपे अकाउंट बनाने के बाद। यहाँ पे आपको इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से पैसा आपका ट्रांसफ़र हो चुका है। उसके बाद ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ से आपको किसी मोबाइल नंबर पे ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ से आपको क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है मोबाइल नंबर, किसी का मोबाइल नंबर पर भेजना है तो। उसके बाद आपको किसी स्कैनर क्यूआर कोड पर भेजना है, तो आपको यहाँ से बैक जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर में क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन आएगा, तो क्यूआर कोड पे क्लिक करना है स्कैन वाले पे। उसके बाद बैलिंग यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्यूआर कोड को स्कैन करना है और आपको पैसा सेंड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल रिचार्ज करने का ऑप्शन यहीं पर आ जाएगा, मोबाइल रिचार्ज, यहाँ पर वाई फास्टैग, डी डी एच रिचार्ज, बिजली बिल पेमेंट करने का, रेंट पेमेंट, लोन पेमेंट, सिलेंडर गैस बुकिंग, यहाँ पे पेमेंट बहुत सारे ऑप्शन और यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बिजली बिल भी यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, रिडीम कोड बना सकते हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने फ़ोन पे अकाउंट बना सकते हैं आधार कार्ड की मदद से। आप भी फ़ोन पे अकाउंट बना करके आप पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए हैं किस तरह से आपको फ़ोन पे अकाउंट बनाना है आधार कार्ड की मदद से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं सिनेमा कुणाल के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।